हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ एल एन आई एस आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है देखो सरप्राइज़ क्या है पहली बात प्रीलिम्स फोकस सीरीज़ में आप सबको स्वागत है थर्टी एथ मार्च का कवर करेंगे पहले सरप्राइज़ देखते हैं देखो परी बिश्नोई मैम आई ऑफिसर उनका रैंक आया था थर्टी वो लाइव आ रहे हैं आप सबके लिए कब संडे को कब आ रहे हैं ध्यान रखना संडे को सेकेंड अप्रैल शाम को सात बजे लाइव होएगा इंटरेक्टिव सेशन तो आप आओ कोई भी डाउट है आप उनसे पूछो तो ये हम आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं डायरेक्टली मैम से आप क्वेश्चंस पूछो कैसे तैयारी करना है कोई भी डाउट हो फ्रीली ओके पूछो ऑलेट एक चीज़ और आपके लिए पी सी ए क्यू कोड है इसको स्कैन करो रजिस्टर करो जो जो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली देखो मैं साइड पर आ जाता हूँ ऑलेट क्यू आर कोड सही आ रहा है ओके okay, रजिस्टर करो एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो एक गूगल डॉक होएगा गूगल डॉक में मेंशन करो अपने क्वेश्चन ताकि मैम को पहले ही पता चल जाए क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो बाकी आप लाइव भी पूछ सकते हो तो प्लीज़ एक क्यू कोड स्कैन कर लो ऑल वीडियो पॉज करो एंड स्कैन करो ओके okay, चलें आगे ओके okay, सो so आज के प्रीलिम्स फोकस सीरीज में आज की डेट क्या है थर्टी मार्च तो आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे एक तो क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हर साल आप देखोगे प्रिलिम्स पी वाई क्यू हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो क्लोनिंग टॉपिक न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया ने कुछ अचीव किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली इस पर क्वेश्चन पूछेगा यू तो पहला ये देन न्यूज़ में था वन चाइना पॉलिसी ये न्यूज़ में चाइना हमेशा रहता है तो चाइना रिलेटेड और यू कैन से एशिया ईस्ट एशिया रिलेटेड कोई ना कोई ये क्वेश्चन आता है प्रिलिम्स में लोकेशन वेज तो वो हम देखेंगे देन क्रेन एनिमल सेरस क्रेन अभी न्यूज़ में था आप सबको पता है एक इंडिविजुअल था मोहम्मद आरिफ यूपी में उसने क्या किया था एक इंजर्ड क्रीन की हेल्प की थी पर उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया इलीगल एक्शन तो देखेंगे क्यों ओके देन ड्रग्स रिलेटेड दो बॉडीज न्यूज़ में थी अब दोनों बॉडीज में डिफरेंस डिफरेंस पता होना चाहिए आपको वो बताऊंगा आपको देन फर्दर कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स सिंगल आइनर्स वो हम जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे एंड लास्टली कल के जो टॉपिक्स हुए थे उस पर बेस्ड आज फाइव क्वेश्चन करें स्टार्ट ओके okay. पहला टॉपिक वन चाइना पॉलिसी देखो वन चाइना पॉलिसी है क्या देखो आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें देखो आएगा चाइना में सिविल वॉर हुआ था 1940s में तो 1949 के बाद क्या सिचुएशन थी चाइना की देखो ये चाइना है इन चाइना के पास एक आइलैंड आइलैंड है कौन सा ताइवान करेक्ट अब इंगेंस के पांडव से चाइना ताइवान को सेपरेट कौन करता है स्ट्रेट स्ट्रेट क्या होता है सिंपल टर्म्स में एक वाटर बॉडी जो दो लैंडमार्क को सेपरेट कर रही है तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है ताइवान स्ट्रेट या फिर फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं ये ध्यान रखना यूज में था ओके अब जो ताइवान में गवर्नमेंट थी वो किसने बनाई थी नेशनलिस्ट ने बनाई थी नेशनल कौन थे उन्होंने बनाई थी और चाइना में गवर्नमेंट किसने बनाई थी आफ्टर सिविल वॉर कम्युनिस्ट पार्टी ने सो so, इन दोनों में दोनों क्लेम करते हैं कि ताइवान की जो गवर्नमेंट है वो क्या क्लेम करती है कि जो मेन लैंड चाइना है वो उसका पार्ट है जो मेन लैंड चाइना वो बोलता है ताइवान उसका पार्ट है तो ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए चाइना पॉलिसी लेके आया वन चाइना पॉलिसी तो उसने बोला किसी भी कंट्री को अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं चाइना के साथ तो उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ताइवान एंड मीलैंड चाइना एक ही है अलग अलग नहीं है तो अगर चाइना के साथ रिलेशन रख रहे तो ताइवान के साथ नहीं रख सकते तो ये है तो ये ध्यान रखना और इसमें देखेंगे इंडिया का स्टैंड क्या है न्यूज़ में क्यों था एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में हॉन्डरस उसने अभी क्या किया कि ताइवान, ताइवान के साथ रिलेशन ख़राब कर दिए अपने हटा दिए और अब क्या कह रहे हैं मैं सिर्फ अपने रिलेशन किसके साथ रखूँगा चाइना के साथ Right. ये न्यूज़ में था ओके सो वन चाइना पॉलिसी रेफर्स टू आइडिया दैट चाइना इज वन कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ मेनलैंड चाइना एंड ताइवान बस इतना पता होना चाहिए आपको कुछ कंट्रीज है जो ताइवान को अभी भी रिकगनाइज करती है थर्टीन कंट्रीज़ कौन कौन सी ये कंट्रीज कहाँ कहाँ पे है आइलैंड है बेसिकली ये हमें कहाँ मिलेंगे देखो ये मिलते हैं मेनली हमें पैसिफिक ऑश्चन एटलांटिक ऑश्चन तो बस नाम याद करने हैं मार्शल आइलैंड नारू पलाऊ टू तो याद करो न्यूज़ में था ये बिकॉज इसका ये सी लेवल राइज कर रहा है तो ये आइलैंड सिंक कर रहा है एस एसवातनी वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी बताइए आपको कहाँ पे है मेटे बेलीस ग्वाटमेला अभी देखेंगे कहाँ पे ये नेबर है किसके हॉन्डोर के नेबर है हाइटी पैरागुए साउथ अमेरिकन कंट्री सेंट किट्स नेविस सेंट लूसिया एंड सेंट विंसेंट ये सारी करिबियन आइलैंड है right? okay. सिर्फ नाम याद करने हैं कोई लोकेशन नहीं तो अभी बताया है, मैंने चाइना ताइवान स्टेट सेपरेट कर रहा है ताइवान स्टेट या फिर फॉर्मोसा स्टेट बोलते हैं उसे हॉली ओके हॉन्डोरस के बारे में देख लेते हैं फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये यू एस अब सेंट्रल अमेरिकन नेशंस कौन कौन सी है देखो मेक्सिको ग्वाटर अभी हमने देखा ग्वाटर जो रिकग्नाइज करता है ताइवान को बिलीज भी करता है हॉन्डोरस एल सेल्वर निकारागुआ कोस्टा रिका पनामा पनामा कनाल न्यूज में था सो right. so, इसको कैसे देखना है हॉन्डोरस इसके नेबर कौन कौन है बलीस वाटर मेला एल सेल्वाटोर निकारागोआ ये इसके नेबरस है और हॉन्डोर को कैसे ऑब्जर्व करना है देखो ये पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है एटलांटिक ओशन से भी तो इस एंगल से देखना है क्वेश्चन right. क्या आ सकता है कौन कौन सी कंट्रीज दोनों को ज्वाइन करती है एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन तो हमें पता है नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है साउथ अमेरिका सॉरी कैनेडा यूएसए देन मेक्सिको देन यहाँ पे देखो हॉन्डरस निकारा गुआ कौस्टरिका पनामा एंड साउथ अमेरिका में कोलंबिया ये कंट्रीज दोनों को ज्वाइन करती है और यू कैन से कनेक्टेड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं राइट ये ध्यान रखना ओके नेक्स्ट अब देखो वन चाइना पॉलिसी को लेके यूनाइटेड नेशन का क्या स्टैंड है यूनाइटेड नेशन सिंपली बोलता है चाइना को रिकॉगनाइज करते हैं हम ताइवान को नहीं करते और चाइना मेंबर भी है यू का एस ये यू का स्टैंड है यूएसए का स्टैंड क्या है फ्लक्चुएट कर रहा है वो उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है देखो <coughs> सॉरी नाइनटीन तक क्या था यूएसए यू एस ताइवान को रिकोगनाइज करता रहा चाइना को नहीं पर आफ्टर 1979 क्या हो गया यूएसए किसको को रिकोगनाइज कर रहा है चाइना को नॉट ताइवान पर यूएसए बोलते हैं कि देखो मेरे इंटरेस्ट है ताइवान के साथ भी तो अनऑफिशियल रिलेशन में रख रहा हूँ तो ये ध्यान रखना बस तो टिल 1979 सेवनटी नाइन उसके रिलेशन थे ताइवान के साथ पोस्ट नाइनटीन अब चाइना के साथ रख रहा है और लास्ट ईयर अगर आपको याद हो जो इनके कांग्रेस का स्पीकर था यूएस के कांग्रेस का वो ताइवान गया था तो फिर से चाइना ने बोला था देखो वन चाइना पॉलिसी याद रखो हमेशा तो फिर यूएस ने बोला था कि देखो ऑफिशियल रिलेशन हमारे आपके साथ ही है ताइवान के साथ नहीं है और इंडिया इंडिया का क्या स्टैंड है देखो इंडिया क्या बोलते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ था चाइना भी आज़ाद उसी टाइम हुआ था सो so, इंडिया ने क्या बोला कि वन चाइना पॉलिसी को हम एक्सेप्ट करते हैं तो 2010 तक इंडिया एक्सेप्ट करता था पर आफ्टर टू टू जीरो वन जीरो दो हज़ार दस के बाद इंडिया क्या कह रहा है इंडिया वन चाइना पॉलिसी देखो वैसे ही एक्सेप्ट करता है पर इंडिया बोल रहा है कि पहले चाइना को वन इंडिया पॉलिसी भी रिकॉगनाइज़ करनी पड़ेगी क्यों इंडिया का एक पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश जो चाइना क्लेम कर रहा है तो इंडिया बोले पहले आप वन इंडिया पॉलिसी बोलो करो तब हम वन चाइना पॉलिसी बोलेंगे तो दो के बाद इंडिया अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोलता क्या बोलते हैं है? अरुणाचल प्रदेश को साउथ टिबेट का पार्ट मानता है और अभी न्यूज में भी था अगर में आपको, कौन सी लाइन है मैकमोहन लाइन मैकमोहन लाइन है जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत उनके बीच में जो लाइन है मैकमोहन लाइन बोलते हैं वॉलेट right? तो ये न्यूज़ में था और मैंने पहले भी कवर कराया ये चीज़ वॉलेट right? आप देख सकते हो तो अभी यूएस के कांग्रेस में दो आ, क्या कहते हैं जो उनके मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं उन्होंने बिल या प्रपोजल दिया है उन्होंने क्या बोला है कि मैकमोहन लाइन को हम रिकगनाइज़ करेंगे एज ए ऑफिशियल लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना नेक्स्ट टॉपिक सैरसक्रीन न्यूज में था इसका साइंटिफिक नेम क्या है ग्रूस एंटीगोन क्या नाम है ग्रूस एंटीगोन तो एक इंडिविजुअल था ही हैज़ बिन बुकड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि उसका प्रोविजन वायलेट किया वो प्रोविजन क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी क्या है इलीगल एक्टिविटी है अगर आप किसी एनिमल को कैप्चर कर रहे हो और उसको अपने घर पे रख रहे हो अगर वो वाइल्ड एनिमल है तो उसको वाइल्ड में ही जंगल में ही छोड़ना पड़ेगा तो उसने क्या किया था सैरोस्क्रीन था इंजर्ड था तो उसको उठा के ले आया कहाँ पे अपने घर पे और उसका ट्रीटमेंट कर रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या बोला इट इज एन इलीगल एक्शन तो अब न्यूज में आ गई एक स्पीशीज स्क्रीन के देखो स्टेटस आईओसिन वालेबल स्टेटस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेटस क्या शेड्यूल फोर देखो अभी मैं जो आपको शेड्यूल्स बता रहा हूँ एक चीज ध्यान रखना ये सारे है जो पुराना एक्ट था नाइनटीन अगर आपको ध्यान में हो ट्वेंटी ट्वेंटी टू के डिसम्बर में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स लेके आए हैं पर वो अमेंडमेंट्स के अभी रूल्स बनेंगे तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो जो है स्पीशीज है डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में वो सब शेड्यूल चेंज हो जाएंगे क्योंकि पहले छः शेड्यूल थे अब चार हो गए तो इसलिए अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि नए शेड्यूल में कौन क्या है अभी जो पुराना शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे राइट तो ये कौन से शेड्यूल में आता है शेड्यूल फ़ोर शेड्यूल फोर में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो इंडेंजर्ड नहीं है राइट right? तो इनका स्टेटस भी देख सकते हैं वनरेबल है इंडेंजर्ड नहीं है तो ये ध्यान रखना साइड्स में क्या आता है ये ये अपेंडिक्स वन में कि इनकी किलिंग एंड ट्रेडिंग इलीगल ऑफेंस है और राइट हैबिटाइट यूजली वेटलैंड वाले एरिया में मिलता है ये स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना राइट right? वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये एक अनदर फीचर है लार्जेस्ट नॉन माइग्रेटरी है यूजली क्रेन्स क्या होते हैं माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ये नॉन माइग्रेटरी है टॉलिस्ट है एंड स्टेट बर्ड और ये यूजली कहा मिलता है इस वाले एरिया में साउथ ईस्ट एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में मिलता है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ में क्या था एक बॉडी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स अब देखो हमने यूजली पढ़ाता है नेशनल कंट्रोल ब्यूरो और यू कैन से सॉरी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऐसी एक और बॉडी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अब देखो न्यूज में क्यों था ये दिल्ली में एक सिंडिकेट रन हो रहा था ड्रग्स को लेके। तो उसको इन्होंने पकड़ा तो इसलिए न्यूज में था अब अब देखो दो बॉडीज सी बी एन एन सी बी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो एन सी बी के बॉडी तो है ये कौन से एक्ट के अंडर अंदर से नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ध्यान रखना नी बॉडी नहीं है सेकेंडली यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एनसीबी आती है किसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स राइट यह ध्यान रखना देन सी बी एन सेंट्रल बेसिकली एम क्या है यह रेगुलेट क्या कर रहा है ओपीएम ट्रेड मेनली बाकी ड्रग्स भी देख रहा है पर ओपीएम ट्रेड कि लाइसेंस प्रोवाइड करता है कौन फार्मर ग्रो कर सकता है कौन नहीं कर सकता है देन जो उनका प्रक्योरमेंट रहेगी जो फार्मर जब ड्रग्स ग्रो कर रहे हो ओ पी उसके बाद प्रोक्योर भी तो कोई करेगा उसको बेचेगा आगे तो वो कौन देखता है सी बी एन राइट तो इसके फंक्शन क्या है लाइसेंस देता है फार्मर्स को प्रक्योर सी ओ पी एम बाकी कोई केसेस आ रहे हैं तो इन्वेस्टिगेट करेगा अंडर विच एक्ट नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव और किसके अंडर है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कभी तो बेसिक डिफेंस का ध्यान रखना ओर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वही तीन कन्वेंशन इंडिया ने साइन किए हुए हैं कौन कौन से यू एन कन्वे ऑन नारकोटिक ड्रग्स यू एन कन्वेन्शन ऑन साइकोट्रोपिक सबस्टांसिस थर्ड यू एन कन्वेन्शन ऑन और अगेंस्ट दी एलिड ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स तो ये तीन कन्वेंशन एंड ध्यान रखना जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इंडिया में क्या है सी बी एम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये ध्यान रखना

वैसे इलीगल है कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पर कुछ एरिया में लीगल है कौन कौन से एरिया में मध्य प्रदेश राजस्थान यूपी वो भी गवर्नमेंट की परमिशन लेके हमने देखा ना भी लाइसेंस लेना पड़ता है पहले कल्टिवेशन का ये नहीं कि आप घर के पीछे ग्रो कर लो नहीं वो इलीगल एक्टिविटी होगी देन डीपीएसपी आर्टिकल 47 प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स ये ध्यान रखना नहीं right? एंड जो ड्रग्स को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से लिस्ट में आता है ये सेंट्रल लिस्ट में यूनियन लिस्ट राइट ओके एन सी बी सैचुररी बॉडी राइट ग्लोबल इसका एक ऑपरेशन चल रहा है ग्लोबल ऑपरेशन ट्रांस बेसिकली आई डे यू आजकल क्या हो रहा है ड्रग्स के न्यू मेथड्स आए हैं क्योंकि हमारा जो पोस्टल सर्विस सिस्टम है उसमें प्रॉपरली मतलब सिक्योरिटी चेक नहीं होता तो आप कुछ भी बाई पोस्ट भेज सकते हो तो आजकल लोगों ने क्या जुगाड़ ढूंढा है जुगाड़ हम टर्म तो यूज़ करते हैं इंडियंस है तो वो क्या करते हैं बाई पोस्ट ड्रग्स को मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट से जो ड्रग्स का हब है नॉर्थ ईस्ट हमें पता ना गोल्डन ट्राइंगल के पास है तो वहाँ से ड्रग्स आ रहा है कहाँ पे नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया कैसे आ रहा है वाया पोस्ट तो एक ऑपरेशन चलाया था ग्लोबल ऑपरेशन ट्रांस राइट तो ये इंटरनेशनल लेवल पे था ताकि जो पोस्टल एक, एक्सप्रेस मेल एंड कोरियर शिपमेंट उसके थ्रू जो ड्रग्स ट्रांसफर हो रहा है उसको रेगुलेट करना और, और किसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑल राइट नेक्स्ट क्लोन काफ न्यूज़ में है बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ़ यूपीएससी पी प्री मेन्स दोनों में आता है तो देख लेते हैं अभी हमने क्लोन काफ बनाया किसका गाय का बच्चा तो उसका नाम क्या रखा है गंगा और कौन सी ब्रीड से क्लोन किया हमने गिर ब्रीड गिर ब्रीड राइट right? और कहाँ पे किया है एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन करनाल में तो वहां पे बनाए और ये कंट्री का फर्स्ट है ये भी ध्यान रखना इंडिया काफ ये ये की ध्यान रखना अब देखो ये तो हो गया बेसिक फैक्ट्स अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड करें तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है स्मैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अब पहले क्या होते है सोमैटिक सेल क्या होते हैं सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं ये स्टेम सेल्स होते हैं स्टेम सिंपल टर्म्स में टेक्निकल मीनिंग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स अन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और इनसे कोई भी बॉडी पार्ट बना सकते हैं तो पहला ये तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है देख लेते हैं देखो बेसिक डायग्राम में एक होएगा डोनर जो अपना सेल डोनर करेगा डोनर कौन होएगा जिसके जीन्स बेटर होंगे तो जैसे अभी हमने काफ बनाया, तो जीन्स किसके लिए हमने गिर कैटल के राइट देन फीमेल होएगी, फीमेल का एक्सेल लेंगे हम राइट तो एक सेल हमने लिया डोनर का एक लिया हमने फीमेल का एक सेल यूजली फ्यूजन ऐसे ही होता है ना एम्ब्रियो कैसे बनता है मेल सेल फीमेल सेल राइट तो हमने पहले जेनेटिक ब्रीड लिया गेयर ब्रीड का और एक फीमेल सेल अब हम क्या करेंगे जो सेल है डोनर सेल उसका क्या करेंगे हम न्यूक्लियस बाहर निकाल देंगे सेल रेड वाला पार्ट न्यूक्लियस न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया ऐसी एक्स एक्स से क्या करेंगे हम एग में से क्या करेंगे सेल न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया अब सिर्फ सेल रह गया अब देखो हमारे पास क्या रहेगा एक न्यूक्लियस और एक सेल उस न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे इस सेल में ऐड कर देंगे तो क्या बन गया एक नया सेल बन गया, राइट? Right? तो इसको फिर वही जर्मिनेशन होएगा, प्रॉपर वो एंड मदर में इम्प्लांट कर देंगे कौन सी टेक्नोलॉजी से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो हमने क्या किया सिंपली टिक क्वालिटी वाले एनिमल का हमने क्या किया न्यूक्लियस निकाल दिया सेल में से और उस न्यूक्लियस को हमने क्या किया मदर के एग में डाल दिया अब वही सेम प्रोसेस जैसे एक बेबी बॉर्न होता है तो ये ध्यान रखना राइट right? ओके okay. <coughs> तो ये ऐसे फर्स्ट क्लोनिंग कब हुई थी एक डॉली नाम की शिप बनाई थी कहाँ पे बनाई थी स्कॉटलैंड में तो वही सेम प्रोसेस समझा रखा है राइट right? डोनर डोनर से क्या किया हमने उसके सेल लिए सेल से हमने न्यूक्लियस निकाल लिया ऐसी मदर उसका एग लिया एग में से हमने न्यूक्लियस निकाल के न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ सेल बच गया अब क्या कह ये वाला सेल हमने इस न्यूक्लियस में ऐड कर दिया राइट right? देन एक सेल क्रिएट कर दिया बेबी का सेल अब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एम्ब्रियो बनेगा और उसको फिर मदर में या सरोगेट मदर बोलते हैं उसमें इम्प्लांट कर दिया ऑलराइट सो दिस इज हाउ क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी वर्क So, cell, cell, ये ध्यान रखना, All right. अब क्योंकि गियर ब्रीड न्यूज में था राइट right? न्यूज so, में क्यों था हमने क्लोनिंग क्यों की है पहली बार देखो इंडिया क्या है अगर मिल्क रिलेटेड देखें हम इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ दिल्क है टोटल प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस कर रहा है ट्वेंटी फोर परसेंट सो so, अब हम चाहते हैं कि और प्रोड्यूस करें बिकॉज पर कैपिटल डिमांड इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे मुझे भी चाहिए दूध आपको भी चाहिए तो ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है हम 1.36 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच चुके हैं एंड फ्यूचर में और इंक्रीज़ होंगे राइट सो बिकॉज डिमांड इंक्रीज हो रही है मिल्क right? की so, तो हमें क्या है जो काउज है या कैटल है उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए बेस्ट वे क्या होता है जो बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रीड्स है राइट right? जो ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं की पॉपुलेशन इंक्रीज करें हम सिंपली लाइक सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट में सो so, जो इंडिजिनस इंडिजिनस मीन्स जो इंडिया में मिलते हैं कैटल ब्रीड्स हैं हम उनको ब्रीड करें ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो ज़्यादा तो कौन कौन सी है फेमस वन गिर साहिवाल थर्पाकार रेत सिंधी दियोनी एक और है ये सब है तो अभी जो हमने क्लोनिंग की है कौन सी ब्रीड का किया है गिर ब्रीड गिर ब्रीड बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं देखो सिंपली यूपीएससी क्या पूछ सकते कहाँ मिलता है ये कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या इसके कोई और नाम यही पूछेगा यूपीएससी और कुछ नहीं पूछेगा तो इसको बोलते गए देसान गुजराती काठेवारी सोर्थी सुरती देखो कहाँ मिल रही है गिर याद करो गुजरात में गिर फॉरेस्ट गिर फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है कौन से एनिमल्स के लिए बताओ मुझे गिर फॉरेस्ट गुजरात में फेमस किसके लिए लाइन के लिए राइट गिर फॉरेस्ट तो यहाँ पे गिर ब्रीड मिल रही है की देन साहिवाल साहिवाल भी गुजरात वाले रीजन में एक्चुअली ये मेनली कहाँ मिलते हैं पाकिस्तान वाले रीजन में मिलते हैं पर ये ऑब्वियसली पूरा रीजन सिंध वाला था पाकिस्तान का सिंध वाला रीजन और इंडिया का सिंध वाला रीजन एक ही था वो तो पार्टीशन के बाद डिवाइड हुए तो यहाँ पे कौन सी ब्रीड मिलती है साहिवाल साहिवाल थरपा कारवी इवन रेड सिंधी वो इसी रीजन से है गुजरात से देन एक महाराष्ट्र रीजन से है दियोनी ये लोकेशन याद रखना सो so, गिर ब्रीड कहाँ मिल रही है गिर फॉरेस्ट काठियावा रीजन में गुजरात और कितना मिल्क प्रोड्यूस करे बारह से बारह सौ से अठारह सौ किलो टोटल और इस इस ब्रीड को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ब्राज़ील ने एक्सपोर्ट कराया था राइट तो ब्राज़ील को हमने एक्सपोर्ट किया उसने हमारी गिर ब्रीड को यूज़ करके एक नई स्पीशीज क्रिएट की है क्लोन प्रोड्यूस किया है कौन सा गिर लाण्डो ब्रीड ये ध्यान रखना गिर लाडो ब्रीड नाम भी अपने हिसाब से दे दिया ओके रेड सिंधी इसको क्या बोलते हैं रेड कराची एंड सिंधी राइट right? इसका मिल्क रेंज कितना है ईल्ड कितना है ग्यारह सौ से छब्बीस सौ किलो <coughs> देन डिओनी महाराष्ट्र वाले रीजन में इसका मिल्क ईल्ड कितना है छः सौ से बारह सौ किलो ये ध्यान रखना और ये इली का मिलता है महाराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका इवन वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वहाँ भी मिलते हैं सो so, न्यू ब्रीड्स लास्ट साहिवाल साहिवाल कहाँ पे वही पाकिस्तान वही सिंध वाले रीजन में वहां मिलते हैं इस अब इसकी मिल्क देखो, सबसे हाईएस्ट है। सौ से तीन हजार तो ईल्ड वाले ये, है। ये ध्यान रखना राइट ऑल राइट नेक्स्ट टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक सिंगल आइनस जल्दी देखते हैं देखो मार्केट इंडेक्स प्रोवाइडर हमें ये कौन होता है मार्केट इंडेक्स प्रोवाइडर बेसिकली आपने सुना होगा सेंसेक्स कैपिटल मार्केट रिलेटेड वो क्या बता रहा है कि हमारी इंडस्ट्री इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है तो वो इंडेक्स इंडेक्स है बेसिकली सेंसेक्स के सेंसिटिविटी इंडेक्स अगर फुल फॉर्म देखें सेंसिटिविटी इंडेक्स इसे ही सेंसेक्स बोलते हैं तो ये सब क्या बता रहे हैं मार्केट के बारे में बता रहे हैं अब ये डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं ये क्या करते हैं कुछ इंडेक्स अगर क्रिएट कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स होंगे इनके मेथड्स होंगे देन वेट असाइन करते हैं कंपनीज के स्टॉक्स को अब वो कौन सी कंपनीज होंगी ये भी इनकी मर्जी होगी तो पूरे प्रोसेस में क्या होता है जो मार्केट इंडेक्स प्रोवाइडर है अगर कोई सेंसेक्स प्रोवाइड कर रहा है तो जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन रहती है किसके स्टॉक्स इंक्लूड करने किसके नहीं करने वाइल्ड कैलकुलेटिंग इंडेक्स तो इसकी वजह से क्या हो रहा है अब किसी कंपनी अगर सपोज मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ मेरे स्टॉक के मेरे शेयर्स वगैरह स्टॉक्स आज इंडेक्स में थे इंक्लूडेड कल नहीं है राइट right? तो इससे मेरी एक दिन इमेज अच्छी थी एक दिन इमेज खराब होगी अब जो इन्वेस्टर्स है जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका फेथ फ्लक्चुएट करेगा तो इससे क्या मेरी कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी एंड मोर ओवर क्या मुझे इनको खुश रखना पड़ेगा बिकॉज इनकी डिस्क्रिप्शन है सो so इसकी वजह से क्या रहा है मार्केट हैम्पर हो रही है तो न्यूज़ में क्यों था ये अदानी ग्रुप के शेयर्स जो अदानी ग्रुप्स है उनके शेयर कुछ एड हो रहे हैं कुछ रिमूव हो रहे हैं सो so, इसकी वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में प्रेजेंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और उनकी बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर हो रही है सो so, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि मार्केट इंडेक्स को रेगुलेट करो और कौन रेगुलेट करेगा सीबी ये ध्यान रखना सीबी right? करेगा सीबी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पहले देखो जब यह सेटअप हुआ था 1988 में स्टैचुरी बॉडी नहीं था 1992 नाइनटी टू ऑनवर्स स्टैचुटरी बॉडी हुआ है ये ध्यान रखना right? और ये क्या है कौसी लेजिस्टिव एंड कौसी जुडिशल बॉडी है तो डिस्प्यूट्स भी हैंडल करता है ये okay? ओके साथ में आपको क्या ध्यान रखना है एक इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी कौन पब्लिश करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देन सेंसेक्स अभी बताया मैंने सेंसिटिविटी इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है जॉइंट वेंचर है किस किसके बीच में एस एन पी डो जोन्स एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSC. बस ये ध्यान ध्यान रखना है। right. इतना कुछ न्यूज़ में में था अगर आपको में हो पूरे हफ्ते कुछ कुछ ना कुछ था एंड यूपीएससी क्या कर रहा है पॉलिटी को के एंगल से पूछ रहा है तो कुछ देख लेते हैं के पहली बात फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट कब था 1976 में? उसने क्या डाला फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ से शिफ्ट किया पहले स्टेट लिस्ट में था अब कंक्रेंट लिस्ट तो अब यूनियन भी बना सकते हैं तभी आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कौन कर रहा है सेंटर कर रहा है देन फंडामेंटल ड्यूटी हमारी भी है टू प्रोटेक्ट एनिमल्स साथ में अंडर डी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉसिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आर्टिकल फोर्टी ए गवर्नमेंट की है फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल फिफ्टी ए जी ये हमारी है तो ये ध्यान रखना बिकॉज यूपीएससी पी एस सी की आदत है वो क्या करेगा ये स्टेटमेंट डाल देगा और ये डाल डालेगा स्टेटमेंट किसका पार्ट है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी या प्रियम्बल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जो गांव में रहते हैं लोग उनके लिए अच्छी बात है बिकॉज जो गांव वाले लोग होते हैं उनके स्किल सेट नहीं होता तो जॉब्स अब आप जॉब में अप्लाई कर रहे हो आपके पास जॉब रिलेटेड स्किल सेट नहीं होएगा तो आपको कोई जॉब ही नहीं देगा सो टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल यूथ कौन सी एज में फिफ्टीन टू थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज इनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि इंडस्ट्रीज़ को हमने बोला सॉरी इंडस्ट्रीज़ को बोला है एम्प्लॉयर्स को कि आप अपने इन हाउस ट्रेनिंग दो आप गाँव के यूथ को उठाओ उनको ट्रेन करो जो भी आपकी इंडस्ट्री में स्किल सेट डिमांड है उनको आप ट्रेन करो छः महीने के लिए तो ये है सो so, एम्प्लॉ दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ट्रेन यूथ इन दियर कंपनी सो दिस इज कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब ये नहीं कि उनको बंद करके रख लिया कमरे में कैप्टिव तो टर्म तो वही आ रहा है ऐसा नहीं है जस्ट एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको ट्रेन करे स्किल सेट तो ये ध्यान रखना किस गवर्नमेंट ने सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये ध्यान रखना ऑलेक्ट तो ये जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशियेटिव है ये किस

पर जो सपोज़ लोकल लैंग्वेज से जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए डिफ़िकल्ट है इंटरनेट को यूज़ करना मेरे पेरेंट्स हैं वो नहीं यूज़ कर पाते उन्हें हिंदी आती है तो उन्हें इंटरनेट भी हिंदी में चाहिए अब धीरे धीरे क्या हो गया कुछ ऐप्स हिंदी में भी आ रही है पर स्टिल जो मराठी है कोई बंगाली है कोई साउथ से तमिल है उनको भी चाहिए इंटरनेट यूज़ करना तो उनकी लैंग्वेज में तो उसको मोटिवेट करने के लिए इनक्रेज करने के लिए तो हम क्या ला रहे हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस से ताकि जो इंटरनेट कंपनीज है वो इंक्रेज हो

ये क्या नॉन प्रॉफिट बॉडी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डोमीन नियम देता है सपोज एल एन आई डॉट कॉम डोमेन नियम हो गया ना इंटरनेट पर सर्च करने के लिए वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन आई पी एड्रेस आप इंटरनेट यूज़ करें तो आपके एक यूनिक लोकेशन का एक आई पी एड्रेस होता है तो वो सब कौन मैनेज करता है ग्लोबली आई कैन और ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है ये नाइनटीन एटी एट में सेटअप हुई थी एज अ डिपार्टमेंट ऑफ कमर्स अंडर यू एस बट आफ्टर ट्वेंटी सिक्सटीन क्या हो गया ये इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई तो यू एस का कोई कंट्रोल नहीं है ऐसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ट्रेडिंग ग्रुप ये किसने सेटअप किया है आई कैन नहीं सेटअप किया कब किया था 2015 में बोले तो इट इज सपोर्टेड एंड फंडेड बाय आई और इसके मेंबर्स गवर्नमेंट भी है इंडिविजुअल्स भी है बोले क्विकली right. कल के टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और पहला कल हमने पढ़ा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गवर्नमेंट चाहती है किसी कंजर्वेशन करें तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट फर्स्ट इट इज नेटिव टू इंडियन सब ये ट्रू है, जर्ड ये रॉन्ग है क्या थे पार्क इन राजस्थान ये भी रॉन्ग है मैंने क्या कहा था ये एरिड एरियाज में मिलते हैं. एरिड और राजस्थान में कहाँ कहाँ पे? जैसलमेर पोखरान एरिया वहाँ पे मैक्सिमम है सो दिस इज रॉन्ग सो ओनली वन इज करेक्ट सी इज द आंसर सी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

गवर्नमेंट कैन कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाई डिक्लेयरिंग अ कमोडिटी एज एसेंशियल ये ट्रू है बेस्ट एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे जब कोविड मास्क वगैरह थे सैनिटाइजर थे तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रोडक्शन सप्लाई सब कुछ कंट्रोल किया था बाई डिक्लेयरिंग इट एज असेंशियल ये करेक्ट है बोट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एड और रिमूव अ कमोडिटी इन दी पब्बलिक इंटरेस्ट ये रॉन्ग है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है पर हाँ कुछ अगर स्टेट रिलेटेड कुछ है प्रोविजन कोई आइटम है तो स्टेट को कंसल्ट कर सकती है पर स्टेट एड और रिमूव नहीं कर सकता सो दिस इज रॉन्ग वन एंड थ्री आर रॉन्ग टू इज करेक्ट अगेन सी इज द आंसर सभी सी आंसर आ रहे नेक्स्ट <laughs> right. आमचंग वाइल्ड सेंचुरी मैंने बताया था कहाँ पे है ये असम मेघालय बॉर्डर पे सो फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश नहीं असम मेघालय पे है ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इट उसके नॉर्थ में फ्लो करते हैं ना ब्रह्मपुत्र रिवर सो दिस इज करेक्ट टू इज़ द आंसर ओके पढ़ा था कल उसके बारे में क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक रॉक मिला था ना याद है प्लास्टिक आइलैंड ट्रू अंडमान बाई टेन डिग्री चैनल ये प्रीवियसर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने उठाई है अंडमान एंड निकोबार टेन डिग्री चैनल सेक्ट सो बोथ आर करेक्ट वन एंड टू सी बोथ एंड टू आर करेक्ट तो इसमें आपके लिए लर्निंग क्या है सेपरेट सेपरेटेड बाई डिग्री चैनल एक और चैनल है 11 डिग्री चैनल ये कौन करता है सेपरेट लक्षद्वीप के आइलैंड्स है ऐसे मुझे बताओ एट डिग्री चैनल ये किस किस को सेपरेट करता है एंड ऑल्सो साइमन बताओ डनकन पैसेज ये किससे सेपरेट करता है दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ चलो ये आपके लिए होमवर्क है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हॉली ओके ओके फ्रेंड्स आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू तो प्लीज रिमाइंडर आपके लिए अब फिर से है सेकेंड अप्रैल शाम सात बजे ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव सेशन है किसके साथ परी बिश्नोई मैम जो आई ऑफिसर है जिनका ऑल इंडिया रैंक कितना आया था थर्टी तो उनसे पूछो कोई भी डाउट्स होंगे वो क्लैरिफाई करो ऑल्सो रिमाइंडर टू यू टू ऑल ऑफ यू संकल्प बैच जो हम रन कर रहे हैं एल एन आई आपके लिए तो 12 से एक होता है राबिया मैम के हिस्ट्री पी वी क्यू डि कर रहे हैं थ्री टू फोर हर्ष सर ले रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस करंट अफेयर की प्रीलियम्स फोकस सीरीज मैं रन कर रहा हूँ फोर टू फाइव फाइव टू सिक्स आज शुभम सर का लास्ट डे है राइट इकोनॉमी के पी वाई क्यू कम्प्लीट हो जाएंगे कल से साइंस एंड टेक के स्टार्ट होंगे योगेंद्र सर से वो आप देखो देन सेवन टू एट इवनिंग में मुकेश सर ले रहे हैं सी साइट सीरीज ऑल्ड तो हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली फिलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो संकल्प पैच ओके ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे हेड कल मिलते हैं सेम टाइम फोर टू फाइव एंड लाइव सेशन